लाइव पर देखते हैं आज की खास खबर। एक दिन में 42 और पॉजिटिव रोगी मिले। नागपुर में मंगलवार को 42 और मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी के साथ ही शहर में संक्रमितों की संख्या 781 हो चुकी है। मेयो की प्रयोगशाला में कल 9 रोगियों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इसमें जरीपटका के मार्टिन नगर का एक, हिंगना का एक तथा नाइक तालाब बांग्लादेश के 7 रोगियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं एम्स की लैब में 32 रोगी पॉजिटिव आए हैं। इनमें नाइक तालाब बांग्लादेश के 22 तथा हंसापुरी के 4 मरीजों का समावेश है। शेष 6 रोगियों के नमूने देर रात पॉजिटिव आए। नागपुर में अब तक पॉजिटिव आए 781 मरीजों में से 519 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, तो वहीं कल 28 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। सबसे ज्यादा मरीज नाइक तालाब बांग्लादेश में सामने आए हैं, जिससे अब सतरंजीपुरा मोमिनपुरा के बाद नाइक तालाब जैसे नया हॉटस्पॉट बनकर उभर कर सामने आया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।